दोनों कप सुबह को, दोपहर को, रात को पी लें, अगले रोज फिर खा लें, इसी में से खा लें, या एक दिन में भी पी सकते हो तो पी लें, ये या दो दिन कर लें, ठीक है। ये तरबूज एक दो माह तो रहता है ना, ठीक है, ये एक हफ्ता कर लो, दो हफ्ते कर लो। गुर्दे का दर्द, पथरियाँ छोटी हो बड़ी हो, इंशाल्लाह खारिज होती जाएंगी। छोटे पेशाब के रास्ते 5-7 दफा कर लो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते कर लो, इतना लंबा कोर्स नहीं है, ठीक है। जान छूट जाएगी, ड्रिपों से, कैप्सूलों से, टीकों से और मुंह से भी जान छूट जाएगी, मेरे से दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। नुस्खा है जी, बगैर दवा के पथरी खुद ही निकालो। नुस्खा मैं बताता हूँ, हम निकाल लें, खुद ही निकालो। मैं तो कोई उसी नहीं करता, लोग कहते हैं हुकमा साहबान जोड़े हकीम जोड़े हो, नुस्खा नहीं दस दे, तुम फिर होमियो वाले का नुस्खा पढ़ के दस दौ, फिजिशियन का, सर्जन का नुस्खा पढ़ के दस दौ। ना कि बंदे खाम खाम किसी को बदनाम करना, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, ये बहुत बुरी बात है, बहुत गुनाह अजीम है ये। इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना, तोहमत लगाना जो कि किसी ने काम किया ही नहीं है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसके हाथ कटवा दो, पिंड से गांव से निकलवा दो, ठीक है, सूली पर चढ़ा दो। बेशुमार लोग, तमाम लोगों को नहीं तो लोग, बेशुमार लोगों को पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया का भी यही हाल है, बांग्लादेश का भी यही हाल है, बाहर के मुल्कों में भी होगा। लेकिन नियरेस्ट और हमारा नियरेस्ट अपना ये है कि मैंने खुद, मुझे पता है, क्योंकि जज साहबान ने खुद बोला है कि हम तो एविडेंस पर, शहादत पर ही फैसला देते हैं। उसको उसको तो ये कोई नहीं पता होता ना, ये वकीलों के हवाले हर चीज़ होती है, ठीक है। क्या इल्ज़ाम से लोग फायर लग गए, सजाए मौत होगी, 14 साल 7 साल सजा होगी। तो मत किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, झूठ बंद बंद हो, तो बंद हो, कुरान पाक में, हदीस मुबारक में है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बहरहाल छोड़ें। तो अपनी पथरी खुद ही निकालो, वो इस तरह कि आप एक तरबूज ले लें, हंदवाना ले, रेडा भी कहते हैं, अदवाना भी कहते हैं, वाटरमेलन आम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ये 5 किलो हो, इसका आपने गूदा निकाल लिया, बाकी किसी के सर पर टोपी रख दो या अपने सर पर रख लो, कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह रहम करे, या खोते को खिला दो, किसी जानवर को खिला दो, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो गूदा है, अगर मोटे बीजों वाला बीज निकाल दो, अगर आजकल तो मोटे बीज है ही किसी में, तरबूज में नहीं है, चाहे चाइना से आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, बहरहाल अगर ये गूदा 3 किलो है, यानी उसको आपने ग्राइंड किया, शेक किया, अगर ये 3 किलो है, तो उसमें आपने 10 ग्राम कलमी शोरा डाल के फिर ग्राइंड कर लें, मोटी छलनी से छान लें, और ये 2-2 कप सुबह को, दोपहर को, रात को पी लें, अगले रोज फिर खा लें, इसी में से खा लें, या एक दिन में भी पी सकते हो तो पी लें, ये या 2 दिन कर लें, ठीक है। ये तरबूज एक दो माह तो रहता है ना, ठीक है, ये एक हफ्ता कर लो, 2 हफ्ते कर लो। गुर्दे का दर्द, पथरियाँ छोटी हो बड़ी हो, इंशाल्लाह खारिज होती जाएंगी। छोटे पेशाब के रास्ते 5-7 दफ़ा कर लो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते कर लो, इतना लंबा कोर्स नहीं है, ठीक है। जान छूट जाएगी, ड्रिपों से, कैप्सूलों से, टीकों से और मुंह से भी जान छूट जाएगी, मेरे से दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। अल्लाह करीम रहम करे। अस्सलामु अलैकुम।